93 सीटों पर 61% से ज्यादा वोटिंग हुई है। एमपी की 9 सीटों पर 63% से ज्यादा मतदान हुआ है। बता दें छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर 67% से ज्यादा वोटिंग हुई। उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। बढ़ चढ़ करके लोगों ने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया और अपने मत का इस्तेमाल किया। पोलिंग बूथ्स पर पहुंचे, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। युवाओं में भी उत्साह देखा गया, महिलाओं में भी बहुत ज्यादा उत्साह देखा गया। महिलाएं बढ़ चढ़ करके पहुंची पोलिंग बूथ्स पर और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मध्य प्रदेश में कई जगह पर तापमान बहुत ज्यादा रहा, बहुत ज्यादा गर्मी रही। सुबह के वक्त लोग दिखे, दिन में थोड़ी कम लोग दिखे, शाम में हालांकि बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। छत्तीसगढ़ का जिक्र किया जाए तो छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। कहीं पर बारिश, कहीं पर तूफान जैसी स्थिति बनी रही। हालांकि मौसम ठंडा रहा तो लोगों को परेशानी नहीं हुई और लोग पहुंचे मतदान करने के लिए। अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर नेता दिग्गज जो हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें कुछ कांग्रेस के नेता, कुछ बीजेपी के नेता जो अपने अपने क्षेत्र में पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मध्य प्रदेश में 9 सीटों पर मतदान आज संपन्न हुआ तो वहीं छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर वोटिंग हुई है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 10 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं दिग्गज जो नेता जो है पहुंचे, मताधिकार का प्रयोग किया, सब परिवार पहुंचे और उनके द्वारा वोट किया गया। ये अलग अलग तस्वीरें, ये 4 तस्वीरें और आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद ये जो है 5 तस्वीरें, ये फिर 4 तस्वीरें आपके सामने। सागर, ग्वालियर, हरदा, राजगढ़ की तस्वीर, राजगढ़ में सबसे ज्यादा मतदान हुआ। वहीं ये 4 तस्वीरें आपके सामने। अब ये 10 तस्वीरें आपके सामने। यहाँ पर भी दिग्गज पहुंचे अपने अपने क्षेत्र में और जाकर के मतदान किया। उत्साह चरम पर था। सुबह से ही हमने वो भी तस्वीरें देखी, मतदान शुरू होने से पहले जो कैंडिडेट्स हैं वो मंदिर भी पहुंचे, भगवान से आशीर्वाद भी लिया। और ये कुछ तस्वीरें मतदाताओं की, अलग अलग जगह की, मतदान को लेकर कैसा उत्साह रहा वो तस्वीरें अलग अलग जिले की आप देख रहे हैं। बुजुर्ग अलग, महिलाएं अलग, कुछ युवा, नए वोटर, सभी तरह से लोग नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शाम 5:30 बजे ग्वालियर के एमआई शिशु मंदिर में वोट डाला। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री और निर्वाचन आयोग की अपील का असर हुआ और अच्छा मतदान हुआ, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। सभी को बधाई देता हूं कि अच्छा मतदान हुआ है तृतीय चरण में और ये प्रजातंत्र के लिए अच्छा संकेत है। प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की थी, चुनाव आयोग ने जो अपील की थी, उसके आधार पर अच्छा मतदान हुआ है। मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बादल छटेगा, सूर्य निकलेगा, कमल खिलेगा। 3 सीटों पर कांग्रेस कह रही है कि हवा बदल दी है। कांग्रेस तो कह रही थी पूरे प्रदेश में हवा बदल गई, अब 3 सीट तक समेट गई। और राजगढ़ लोकसभा सीट पर मतदान हुआ, बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और इसी दौरान जो है कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की, सुनिए। बहुत सकारात्मक जी सर, कितने आश्वस्त हैं कि इस बार जो परिणाम है लंबे अरसे बाद कांग्रेस के पक्ष में आएंगे राजगढ़ में, लगता है मुझे। सर मोदी जी आए वो कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस का एक्सरे करा, वो एक धर्म विशेष को पूरा आरक्षण देना चाहते हैं जैसे कर्नाटक में दे दिया। मोदी जी जितना झूठ बोलते हैं मैं समझता हूँ कि विश्व में कोई नहीं बोलता होगा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सभी सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। आज तीसरे और अंतिम चरण में 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। इसको लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि पहले और दूसरे चरण की तरह तीसरे चरण में भी मतदाताओं में उत्साह दिखा। उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा भी किया और क्या कहा सुनिए। निश्चित रूप से सवेरे से जो मतदान का क्रम चला है बहुत उत्साहजनक मतदान हुआ है और 7वें चरण में पहले और दूसरे चरण की तरह ही मतदाताओं में भारी उत्साह था और निश्चित रूप से ये उत्साह नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए ये मतदान था और जो जनता का उत्साह दिख रहा था वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था और भारतीय जनता पार्टी
को जिताने वाला था। तीसरे चरण के मतदान के साथ ही छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सभी सीटों पर चुनाव खत्म हो चुका है। अब 4 जून का इंतजार है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि मतदान के बाद साफ हो गया भाजपा से ज्यादा सीटें जीतेंगे। पूरे देश में बीजेपी 150 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाएगी। सुनिए। छत्तीसगढ़ के मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आज छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर मतदान हुआ, शांतिपूर्वक मतदान हुआ। इस तरह से छत्तीसगढ़ में पहला चरण, दूसरा चरण के बाद तीसरा चरण पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है और इससे स्पष्ट हो चुका है कि छत्तीसगढ़ में इस समय छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में मतदान किया है और कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। इस समय देश में नई सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी जुमले और झूठ की सरकार को छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया है। भोपाल में टीवी की मशहूर एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी ने पोलिंग बूथ पर जाकर वोट किया। ये तस्वीरें आपके सामने, अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी वोट करने के लिए पहुंची भोपाल। उनके साथ उनका परिवार भी मौजूद रहा। ये तस्वीरें भोपाल की आप देख रहे हैं। दिव्यांका त्रिपाठी भोपाल की रहने वाली हैं और चूंकि कई सारे सीरियल्स और उनके शोज रहते हैं, वो मुंबई रहती हैं, वोट करने के लिए भोपाल आई और इसी दौरान की तस्वीरें। बैतूल लोकसभा में शामिल हरदा में परिवार की 3 पीढ़ियों ने एक साथ मतदान किया। अग्रवाल परिवार के 3 पीढ़ियों में शामिल 7 लोगों ने मतदान केंद्र 108 पर एक साथ मतदान किया। पहली पीढ़ी की बुजुर्ग बनारसी बाई ने दोनों बेटों अनिल और राजेश और बहू सीमा कुसुम, पोते मयूर और पोती कृतिका अग्रवाल के साथ मतदान किया। धार में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पहली बार भोजशाला का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भोजशाला में सुविधाओं का विस्तार करना है। पीएम मोदी ने कहा कि विकास के साथ विरासत को भी संवारना है। धार की भोजशाला, बाघ गुफाएं, मांडू का जहाज महल, ऐसी जगहों पर भाजपा सरकार सुविधाओं का विस्तार कर रही है। धार में पीएम मोदी की सभा के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आभार जताया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता ने मोदी जी का दिल खोलकर स्वागत किया। उन्होंने कांग्रेस को आज आईना दिखाया। देश में 400 पार और प्रदेश में 29 सीट के साथ मोदी सरकार बनने जा रही है। हम सबका सौभाग्य है यशस्वी प्रधानमंत्री राजा भोज की धरती मध्य प्रदेश के राज्य के अंदर आज तीसरे चरण का चुनाव का वोटिंग चल रहा है और ऐसे में माननीय मोदी जी ने अपना स्वयं का वोट डाल करके सीधे मध्य प्रदेश की तरफ आए, मैं उनका स्वागत भी करता हूं और जिस ढंग से उनकी खरगोन की और धार की सभा हुई, मैं हृदय से आभार मानता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनका आज का मार्गदर्शन सच्चे अर्थों में लोकतंत्र को मजबूत करने में बहुत सार्थक भूमिका अदा करेगा। कांग्रेस को उनने कांच दिखाया, आईना दिखाया। कांग्रेस के सारे षड्यंत्रों को पूरा देश समझ चुका है। यही कारण है कि 2014-2019 में प्रचंड बहुमत से जो मोदी जी ने कहा था, 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार, 2019 में 300 पार और अब की बार 400 पार, तो जो कह रहे हैं वो करते दिखाई दे रहे हैं। लगातार जो सब तरफ के समाचार आ रहे हैं, मध्य प्रदेश की 29 की 29 और देश की 400 पार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। तीसरे चरण का चुनाव चल रहा है, क्या कहेंगे? तीसरे चरण का चुनाव में आप सबके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि हर मतदाता अपना मताधिकार का उपयोग जरूर करे। लोकतंत्र का गौरव है और हम सबकी सुचिता जागृति का परिचायक है, लेकिन वोट का उपयोग सदुपयोग में बदले, भाजपा के साथ चले। बदलते दौर में भारत को सशक्त बनाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माननीय मोदी जी के माध्यम से गौरवान्वित थे, तो हम उस क्षण को महसूस करें जो हमारे अंतर्मन में है और 21 शताब्दी भारत दुनिया का नेतृत्व करे। इस तरह से माननीय मोदी जी का जो लीडरशिप चल रही है, विश्व की सर्वाधिक लोकप्रियता में वो अपने पहले पायदान पे पहुंचे हैं,
तो मैं उम्मीद करता हूं कि भारत का हर मतदाता इस बात को महसूस करता है और वो उनके साथ खड़ा है। तो अर्जुनों ने कहा कि प्रधानमंत्री एक मध्य प्रदेश आए और मध्य प्रदेश में आने के बाद कार्यकर्ताओं में नए एक जोश भर के चले गए। वीडियो जर्नलिस्ट डलस साथ मित्र गुप्ता News18। खरगोन में पीएम मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। नवग्रह मेला मैदान में आयोजित जनसभा में भारी भीड़ को देखकर उन्होंने कहा कि आपका प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। पीएम ने कहा कि ये प्यार और आशीर्वाद विकसित भारत के लिए है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ आना सौभाग्य की बात है और नर्मदा के तट वाले कभी किसी को निराश नहीं करते। पीएम ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोला, साथ ही कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने राम मंदिर पर फैसला पलटने की कांग्रेस की सोच का भी जिक्र किया। इस क्षेत्र में आना किसी सौभाग्य से कम नहीं है, ये माता नर्मदा की कृपा है। सदियों से क्रम चला है, कभी भी नर्मदा तट पर रहने वाला मांगने वाले को निराश नहीं करता है। ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है कि इंडी वालों के लिए कहावत फिट बैठती है, अपना काम बनता, अपना काम बनता। भाड़ में जाए पाकिस्तान में आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद की धमकी दे रहे हैं और यहां के कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो, यानी मोदी के खिलाफ एक खास धर्म के लोगों को एकजुट होकर वोट करने को कहा जा रहा है। एक और गहरी साजिश से पर्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शाहजादे का इरादा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का है। जैसे शाहजादे जी ने, पिताजी ने सहबानों केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा था, वैसे ही कांग्रेस राम मंदिर का फैसला पलटने के लिए सोच रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट पर पूरा जोर लगा रखे हैं। सीएम ने रतलाम जिले में सरवन और बांगरोड में आम सभा को संबोधित किया, कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि जिन्हें गरीबी का गर नहीं मालूम लेकिन गरीबी दूर करने निकले हैं। इनके परिवार ने 60 सालों में गरीबी दूर नहीं की और अब गरीबों का मजाक करते हैं। गरीबों के लिए मोदी जी करके दिखाते हैं। इनसे पूछो कि आप गरीबी दूर करो, तुम्हारे परिवार में कौन कौन क्या क्या रहा है। तो इनकी खुद की मम्मी मनमोहन सिंह की सरकार थी, पीछे सोनिया जी ने सरकार चलाई, 10 साल सरकार चली, वो गरीबी दूर नहीं कर पाई। हुई क्या गरीबी दूर? 10 साल उनने सरकार चलाई, उसके पहले जाओ तो 5 साल उनके पापा ने राजीव गांधी की, वो भी गरीबी दूर नहीं कर पाए। उसके पहले जाओ तो 17 साल उनकी दादी ने सरकार चलाई, वो भी गरीबी दूर नहीं कर पाए। उसके और पीछे जाओ 18 साल इनके नाना जी की सरकार चली, उनसे भी गरीबी दूर नहीं हुई। अरे 60 साल तुम्हारी सरकार चली भैया, और तुम गरीबी दूर नहीं कर पाए? मजाक करते गरीबों का, झूठ बोलते हो? ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये नरेंद्र मोदी है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं।
के रंगों की रौनक ही नहीं, रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट की सियासी जंग भी रोचक है। 62 साल पहले यहां महिला उम्मीदवार के जीतने सबको चौंका दिया था। 2024 में भी इस सीट से बीजेपी की अनीता नागर सिंह चौहान मैदान में है। बीजेपी को उम्मीद है कि 62 साल बाद रतलाम करेगा शक्ति का सम्मान। कांग्रेस का दावा, पंजा ही जमाएगा कब्जा। एक रिपोर्ट देखिए। रतलाम करेगा शक्ति को सलाम या भूरिया बिखेरेंगे कांति। रतलाम को एक बार ही मिली महिला सांसद। 1962 में कांग्रेस की जमुना देवी जीती थी। 62 साल पहले की ही तरह जब 1962 में देश भर में सुर्खियों में आई थी रतलाम झाबुआ सीट। इस सीट पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एन वक्त पर पहले से घोषित उम्मीदवार को बदलकर युवा चेहरे और आदिवासी नेता जमुना देवी को चुनाव लड़ाया। इस तरह 1962 में इस सीट को पहली महिला सांसद मिली। 2024 में भी यहां महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। हमको ये ध्यान रखना मर्यादा का कि चाहे जो हो जाए हर हालत में अपना वोट भाजपा में पड़ना चाहिए। कौन सा टैक्स देना पड़ेगा ये बोलेंगे कि जिंदा रहना है तो डाकू टैक्स दो, और अगर टैक्स नहीं दोगे तो फिर हमारी कोई गारंटी नहीं। क्या 2024 में तैयार होगा 1962 पार्ट 2? इससे पहले भी रतलाम झाबुआ सीट पर महिला कैंडिडेट किस्मत आजमा चुकी हैं, लेकिन जीत हासिल नहीं हुई। कांग्रेस कैंडिडेट और कद्दावर आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया का भी दो बार महिला उम्मीदवारों से सामना हो चुका है, 2004 और 2015 के उपचुनाव में, जिसमें कांतिलाल ने 2004 में बीजेपी की रेलम चौहान और 2015 में हुए उपचुनाव में स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया की बेटी निर्मला भूरिया को चुनाव हराया था। ये चुनाव मेरा आखिरी चुनाव है, फिर मैं समाज सेवा, आदिवासी सेवा, गरीब सेवा में लग जाऊंगा, ये आखिरी चुनाव है। 62 साल बाद 2024 में बनेगा वही इतिहास। 2024 में एक बार फिर कांतिलाल भूरिया का मुकाबला महिला उम्मीदवार से है। खास बात ये कि इस सीट पर दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार झाबुआ से होते थे। पहली बार बीजेपी ने नए चेहरे को मौका दिया है, जो अलीराजपुर से है बीजेपी कैंडिडेट अनीता सिंह चौहान, दो बार जिला पंचायत और महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रही। प्रदेश के वन मंत्री नागर सिंह चौहान की पत्नी है। अभी तक पाला किसी से पढ़ा नहीं है, पाला नागर सिंह चौहान से पढ़ा, माधव सिंह डावर से पढ़ा ना, क्यों उसको मालूम नहीं है ये कौन सी खेत की मूली है। जो ये आपका घमंड का साम्राज्य है, इसको खत्म करने का काम हम लोग करेंगे। और नागर सिंह जी, याद रखना, हम पक्को आदिवासी से झुकेंगे नहीं, डटकर सामना करेंगे। नेताओं की जुबान और सियासी जुमले बता रहे हैं कि इस सीट पर फाइट टाइट है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या रतलाम 1962 का सीक्वल बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।